तो फाइनली ओप्पो ने सफेदी की चमकार से बाहर निकल के कुछ नया कलर दिया है। तो ये है ओप्पो इनकुबर्स ब्लू वर्जन है, यहाँ पे बिग बिलियन डेज में नया आया है। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। और स्पॉइलर अलर्ट, ये अभी 1299 रुपए में मिल रहा है, तो खरीदना है तो अभी खरीद लीजिए, थैंक मी लेटर, ठीक है। चलिए इसको खोलते हैं पहले। तो काफी एक्साइटेड था, तो ये ब्लू कलर का है तो काफी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। इसको पहले साइड में रखते हैं, बाद में देखेंगे, आगे बॉक्स के अंदर देख लेते हैं। तो चलिए इसको खोलते हैं। अरे यार ये क्या, इसके अंदर कोई भी टाइप सी केबल नहीं दिया गया है, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। कागज पुस्तकें कुछ दिए गए हैं यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं, वक्त निकाल के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ अभी मेरे तो कुछ काम के नहीं है, इसको हटा देते हैं, अब इसको खोलते हैं। वाओ, मतलब फाइनली ओप्पो ने अपना ये ब्लू कलर इंडिया में अवेलेबल किया है, तो बहुत ही अच्छा है। काफ़ी मतलब हाथ में देते ही मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब काफ़ी कॉम्पैक्ट है और काफ़ी सॉलिड दिखता है। मतलब हाथ में लेते ही आपको इसकी जो बिल्ड क्वालिटी ना, वो मतलब प्रीमियम फील देगा। मतलब जिस प्राइस में ये आता है ना, तो उससे मैं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया। इसकी हिंज क्वालिटी मुझे बहुत स्ट्रांग लगी यहाँ पे, मतलब आप देख सकते हैं इसके हिंज में, मतलब मैग्नेट काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है, ग्रीन है तो फुल चार्ज। तो मैं इसको थोड़ा सा, मतलब मैग्नेट भी इसकी काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। बात करें इसकी बर्ड्स की, तो बर्ड्स काफ़ी मुझे मतलब कंफर्टेबल लगा। बिल्ड क्वालिटी बर्ड्स की अच्छी है, मतलब थोड़ी सी ग्लॉसी है, अंदर की तरफ थोड़ा सा मैट फिनिश है, तो काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी मैंने टाइनी साइज के हैं, तो मेरे हिसाब से कंफर्ट इसकी बहुत अच्छे होने वाले हैं, हम बाद में बताएंगे। तो केस के बारे में बात कर दो, केस ग्लॉसी है तो स्क्रैचेस आ सकते हैं, मगर बहुत ही मतलब अच्छा लगता है हाथ में देने में, काफ़ी सॉलिड फील आता है। मतलब क्रिकिंग जो साउंड आते हैं ना, बहुत सारे मैंने मेवी डुओपॉड्स के मतलब देखे थे, उसकी जो बॉक्स था बहुत ही ख़राब था, तो ये बहुत अच्छा है, सॉलिड है। चलिए इसको थोड़ा सा एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। ओ माय गॉड, खोलते ही आपको देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी। केस ओपन करते ही मतलब बर्ड्स को आपको बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे ये एएसी सपोर्ट करता है, तो मेरे फ़ोन में एएसी है, इस कारण ये मुझे दिखा रहा है, मतलब ऑप्शन दे रहा है कि मैं एएसी ऑन कर दूँ, तो मैंने ऑन कर दिया यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको एएसी मिल जाता है इस बजट में। तो देख सकते हैं यहाँ पे एएसी 100% फुल मतलब चार्ज है यहाँ पे फिलहाल। तो ये चलिए इसको बंद करके देखते हैं कि कितनी क्विक ये डिस्कनेक्ट या कनेक्ट होता है। तो डिस्कनेक्ट में आपको 2 से 3 सेकंड लग जाता है लगभग। ओह माय गॉड, खोलते ही कनेक्ट हो जाता है, मतलब आप कनेक्ट होना बहुत फास्ट है। मतलब अगर आप पेयर करने के बाद इसको ओपन करेंगे ना, तुरंत ही कनेक्ट हो जाएगा, बहुत ही फास्ट है। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ की 5.2 मिल जाता है, लेटेस्ट है, तो इसके कारण इसकी जो कनेक्शन स्पीड मुझे बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी फास्ट है, ठीक है। आप इसको मोनो मोड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक को आप केस पे रख सकते हैं और दूसरे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो काम कर रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से, देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने। चलिए इसको दोनों को अंदर रखते हैं और एंड्रॉयड टेस्ट हो गया तो लगे हाथ iOS का भी कर देते हैं। तो जिनके पास एप्पल के प्रोडक्ट है, आपको पता है थोड़ा सा एप्पल में जो एयरपॉड्स होते हैं ना, वो काफ़ी तेज मतलब काफ़ी तेज़ी से कनेक्ट होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, मगर यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने ओपन किया यहाँ पे, देख सकते हैं बाहर कोई भी सर्चिंग में नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे दोनों बर्ड्स को बाहर निकाले तो भी यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो ऑफ करके फिर से मैं ऑन कर लेता हूँ, तो अभी आ चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं दोबारा इसको देख लेता हूं कि इसकी फंडा क्या है, क्या ये केस से बाहर निकलने के बाद ही ये कनेक्ट होता है, मतलब ऑप्शन मतलब इसकी सर्चिंग रिजल्ट में आता है, तो देख लेते हैं। यहां पे सर्चिंग में तो शो कर रहा है मगर कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैंने इसको टैप करने के बाद भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा दोबारा फिर से स्टार्ट करते हैं पहले से, तो नहीं आ रहा है, तो चलिए इसको बाहर निकलते हैं। अभी भी नहीं शो कर रहा है, ठीक है, तो पूरा ऑफ कर देते हैं, अब नहीं आ रहा है, आ गया, चलिए तो ऑफ करके ऑन करने के बाद ये आ चुका है, तो अभी कनेक्ट हो चुका है। थोड़ी सी मतलब मैं कहूँगा कि iOS डिवाइस के साथ थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब पहली बार जब कनेक्ट करेंगे, अगर एक बार पेयर हो गया तो कोई इशू नहीं है, बार तो थोड़ा सा ऑफ ऑन करके आप कर सकते हैं, मतलब कोई इशू नहीं है, मगर एंड्रॉयड जैसा फास्ट नहीं है। तो बात करिए इसकी ईयरबड्स की, तो काफ़ी टाइनी है, काफ़ी मतलब लाइट वेट है, तो मुझे बहुत पसंद आया काफ़ी, मतलब ये कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये वाइट वाले बहुत सारे सेल हो रहे थे पहले भी। ओप्पो ने ओप्पो इनको W11 सिर्फ एक ही कलर में लाए थे इंडिया में, और यहाँ पे आपको फाइनली दो कलर ऑप्शन मिल जाता है, वाइट और ये ब्लू वाला,
तो ब्लू काफी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये ट्राई कर सकते हैं। बात करें इसकी कंफर्ट की, तो मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगा कानों में। तो मैं ज़्यादातर इस तरह का TWS की फ़ैन नहीं हूँ, मुझे स्टेम और इन ईयर टाइप पसंद है। और मैंने रियलमी बर्ड्स Q2 भी रिव्यू किया था, वहाँ पे भी मुझे थोड़ी सी दिक्कतें आई थी वहाँ पे कानों में, मतलब वो पेन करता था, बाहर की तरफ निकलता था। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ये मैंने अपना मतलब हेड सेक करके भी देख लिया। तो आप अगर जिम बीम करते हैं तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, मतलब अपना सर हिला सकते हैं तो बाहर नहीं निकलेगा ये। तो काफ़ी कंफर्टेबल लगा मुझे ये। IP54 की रेटिंग है, मतलब काफ़ी अच्छा है, मतलब स्प्लैशेस या फिर डस्ट भी यहाँ पे रेजिस्टेंट है ये। तो टच जेस्चर आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। तो अगर आप ट्रिपल टैप करेंगे तो यहाँ पे टच करेंगे तो आपको गेम मोड भी ऑन हो जाता है। तो बाकी सारे जेस्चर यहाँ पे हैं, पॉज नेक्स्ट सारे हैं, आप थोड़ा सा देख लेंगे। मैं डिटेल में हे मेलेडी ऐप के साथ क्या कर सकते हैं मैं आपको बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल तो नहीं। तो चलिए थोड़ा सा गाने वाने सुन लेते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी क्या है। तो मैं कहूंगा मैं बहुत इंप्रेस हूं, मैं यूजुअली इंप्रेस होता नहीं, मगर ये कहूंगा कि इस बजट रेंज में काफ़ी बढ़िया बेस दिया गया है। और बहुत सारे ब्रांड आते हैं, बेस सब पसंद करते हैं, इसके कारण वो बेस तो दे देते हैं, मगर बाकी जो क्लैरिटी है वो कहाँ, मतलब वो नहीं रहता, आपको बूमी बेस मिलता है। तो यहाँ पे आपको अच्छा बेस मिलता है, सब अच्छी बात है। यहाँ पे ट्रिबल भी आपको अच्छा मिल जाता है, यहाँ पे आपको मतलब मैं कहूँगा जो ट्रिबल है थोड़ा सा यहाँ पे म्यूटेड है, मतलब उतना झंकार आपको बहुत बढ़िया फील नहीं होगा, मगर फिर भी मैं कहूँगा यहाँ पे वो है, प्रेजेंट है। मैंने बहुत सारे इस बजट में और भी सारे TWS देखे हैं, मगर उसमें मैंने देखा वहाँ पे सिर्फ बेस को बहुत ज़्यादा पुश किया जाता है, जहाँ पे कि जो वोकल्स हैं आपको उतना अच्छी तरह से आप सुन नहीं पाते। मगर यहाँ पे मैं कहूँगा बेस बहुत ही अच्छा है, जो लोग बेस पसंद करते हैं उनको ये पसंद आएगा डेफिनेटली। और यहाँ पे जो झनकार है उसका भी आपको फील मिलेगा, हालांकि उतना शार्प नहीं मिलेगा, मगर यहाँ पे है। जो स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है सिर्फ वही गाने नहीं, बहुत सारे, बहुत देर तक मैंने इसको टेस्ट किया, तो उसके बाद मैं अपना वर्डिक दे रहा हूँ। तो मुझे बहुत ही पसंद आया इसकी साउंड क्वालिटी, इस बजट रेंज को अगर कंसिडर करूँ तो उस हिसाब से मुझे बहुत पसंद आया। इस बजट में मैं कहूँगा कि कोई भी आसपास नहीं है कि जो इसको बीट कर सकता है इस बजट में। तो मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता हूँ, तो यहाँ पे मैं कहूँगा आउट ऑफ 5 मैं इसको 4.3 रेटिंग देना चाहूँगा। फिलहाल जो इसकी प्राइस है मैं कहूँगा उस बजट में तो इस जैसा साउंड क्वालिटी अभी किसी में नहीं है, तो डेफिनेटली आप इसको खरीद सकते हैं, मेरे तरफ से थम्स अप। फ्लिपकार्ट ने 1499 रुपए में सेल करने के लिए पेज में शो किया था डील, मगर अचानक से उन्होंने फिर से चेंज कर दिया और भी बेहतरीन डील दे दिया, 1299 रुपए में इसको कर दिया, तो ये तो बहुत ही सही डील हो गया। अभी मैं कहूँगा इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो रियलमी बर्ड्स Q2 से भी बेहतर है, हालांकि रियलमी बर्ड्स Q2 में आपको ANC मिल जाता है, यहाँ पे आपको ANC नहीं मिलता। तो इसके बारे में इसकी जो लेटेंसी है, इसकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है, इसकी जो कॉल क्वालिटी है, उसकी अगले वीडियो में मैं उसको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाले हैं, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, बने रहिए मेरे साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चलते हैं, फिर मिलते हैं।